वाल्मीकि जयंती पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खारगे जी, एकनाथ गायकवाड़ जी, अविनाश पांडे जी, नदीप जावेद जी, हुकुमराज मेहता जी, रवि राजा जी, हमारे कैंडिडेट्स वर्षा गायकवाड़, प्रवीण नायक जी, गणेश यादव जी, शिव कुमार लाड जी, स्टेज पे वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, धारावी की जनता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो हिंदुस्तान मजबूत है, सही बात। अगर अर्थव्यवस्था कमजोर है तो हिंदुस्तान कमजोर है, यह सच्चाई है। प्रधानमंत्री ने कहा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो नुकसान नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का किया, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, जो नुकसान उन्होंने किया, वो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। आप जानते हो, मैं यहां पिछली बार आया था, मैंने कहा था अगर आप मेड इन इंडिया चाहते हो, अगर नरेंद्र मोदी मेड इन इंडिया की इसका सपना देख रहे हैं तो मेड इन इंडिया की नींव, मेड इन इंडिया का फाउंडेशन मेड इन धारावी है। बिना मेड इन धारावी के आप मेड इन इंडिया नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है। यहां पे धारावी में हिंदुस्तान का भविष्य है। अगर यहां सक्सेसफुल, अगर यहां सक्सेस होगी तो हिंदुस्तान में सक्सेस होगा, अगर यहां फेलियर होगा तो हिंदुस्तान फेल करेगा, सीधी सी बात है। धारावी एक चिन्ह है, सिंबल है, हिंदुस्तान के इनोवेशन का सिंबल है, हिंदुस्तान के ज्ञान का सिंबल है। हां, नरेंद्र मोदी जी इसकी इज्जत नहीं करते हैं, इस पर भरोसा नहीं करते हैं, मगर यही धारावी है जो हिंदुस्तान को बना सकता है, यही धारावी है जो चाइना का मुकाबला कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। और धारावी सिर्फ मुंबई में नहीं है, धारावी हर हिंदुस्तान के प्रदेश में है, हर शहर में है। गरीबों की जो शक्ति है, गरीबों का जो ज्ञान है, वो धारावी है। और जो इस धारावी की इज्जत नहीं करता है वो इस हिंदुस्तान को समझ नहीं सकता है। आपके सब बिजनेस बंद है, लेदर का बिजनेस ठप, वेफर्स का बिजनेस ठप, रिसाइकलिंग ठप, सब बंद पड़े हुए हैं। बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, फडणवीस जी इकॉनॉमी की बात ही नहीं करते। मून मिशन की बात करेंगे, हां हमने चांद पर रॉकेट भेजा, बहुत अच्छी बात है,
बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी ने इसरो बनाया मगर रॉकेट से धारावी की जनता का पेट नहीं भरने वाला मोदी जी, नहीं होगा। उल्टी सीधी बात करने से धारावी की जनता का पेट नहीं भरने वाला। आप धारावी की जनता को बताओ, फडणवीस जी, मोदी जी, बीजेपी के नेता, शिवसेना के नेता, आप बताओ, आपने धारावी की अर्थव्यवस्था के लिए, धारावी के बिजनेस के लिए, छोटे बिजनेस वालों के लिए, दुकानदारों के लिए क्या किया, ये आप बताओ। वोट चाहते हो तो ये बताओ जनता को, आप बताओ। हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है, क्यों है समझाओ। महाराष्ट्र में 2000 फैक्ट्रियां बंद हुई, धारावी में 50,000 स्मॉल एंड मीडियम छोटी इंडस्ट्री ने 2,00,000 में 2,00,000 लोग बेरोजगार हुए। पुणे में 12,000 यूनिट्स का नुकसान हुआ। मारुति ने फैक्ट्री बंद की, टाटा ने फैक्ट्री बंद की। पूरे देश में, किसी भी प्रदेश में देखो, गुजरात में देखो, डायमंड का बिजनेस, कपड़े का बिजनेस खत्म हो गया। चेन्नई में देखो, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई। जहां भी देखो, एक के बाद एक बिजनेस बंद होने, छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस, बड़े बिजनेस सब नष्ट हो रहे। मगर प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, फडणवीस जी इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पे आपके यूनिट बंद हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 5,50,000 करोड़ रुपया 15 लोगों का कर्जा माफ किया है, 5,50,000 करोड़ रुपए। यहां कितने लोगों का कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने? धारावी में कितने दुकानदारों का, छोटे बिजनेस वालों का, मिडिल साइज बिजनेस वालों का कर्जा माफ किया है प्रधानमंत्री? मुझे बताओ,
कोई है यहां पे एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां नहीं? अगर आप अरबपति हो, अंबानी अदानी जो भी आपको चाहिए ले सकते हो, पब्लिक सेक्टर का कोई भी यूनिट चाहिए उठा के ले जाओ, बंबई की ट्रेन चाहिए ट्रेन ले लो, रेलवे स्टेशन चाहिए रेलवे स्टेशन ले लो, अभी आपको देखने को मिलेगा। मगर अगर आप गरीब हो, चाहे आप किसान हो, छोटे बिजनेस वाले हो, मिडिल साइज बिजनेस वाले हो, आपको एक रुपया नहीं मिल सकता है। देश को चलाते आप हो, खून पसीना आपका और मौज इनकी। पंद्रह लोगों की चौकीदारी कर रहे हैं ना नरेंद्र मोदी, और आपका पूरा का पूरा पैसा, आपका खून, आपका पसीना पूरा का पूरा उनके हवाले कर रहे हैं। नोटबंदी की आपसे कहा था काले धन के खिलाफ लड़ाई होगी, आपने लाइनें देखी? लाइन में कोई काले धन वाला चोर खड़ा था क्या? आप सब खड़े थे, धारावी की गरीब जनता खड़ी थी, माताएं बहनें खड़ी थी, अदानी जी लाइन में खड़े थे क्या? अंबानी जी लाइन में खड़े थे क्या? विजय माल्या ललित मोदी ये लोग खड़े थे क्या लाइन में? ना। काले धन के खिलाफ लड़ाई हुई, आपके जेब में से पैसा निकला, नीरव मोदी के बैंक अकाउंट में गया, अदानी अंबानी के बैंक अकाउंट में गया, और आप देखते रह गए। आप किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछो जीएसटी से फायदा हुआ हां या ना, यहां बता दे कोई यहां है जिसको जीएसटी से फायदा हुआ? कोई यहां व्यक्ति खड़ा है? एक आदमी है ना? सीतारमन जी कहती है कानून है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अरे कानून तो आप बनाते हो, मनरेगा का कानून था उसको आपने बदला, जमीन अधिकरण बिल था उसको आपने बदला, भोजन का अधिकार था उसको बदला, ट्राइबल बिल उसको बदला, मगर जीएसटी को आप नहीं बदल सकते। इंस्पेक्टर राज चला रखा है, छोटा दुकानदार छोटा बिजनेस वाला दिन भर जीएसटी के फॉर्म भरे, उसके यहां इंस्पेक्टर आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, कहते भैया रिश्वत दो नहीं तो काम नहीं करने देंगे। पूरी देश में यह हालत है, और अभी शुरुआत हुई है, देखो ताली बजा रहे हैं। अभी भैया अभी आपने, मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपने कुछ नहीं देखा, अभी तो शुरुआत हुई है, आप देखना 6 महीने में यहां पे क्या होने वाला है, आप देखना। अगर ऐसी हालत चलती गई, अर्थव्यवस्था की ऐसी हालत चलती गई, बेरोजगारी की ऐसी हालत चलती गई, तो हिंदुस्तान में आग लगने जा रही है। 15-20 लोगों का पूरा फायदा हो रहा है। नरेंद्र मोदी का काम आपका ध्यान इधर से उधर ले जाने का है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी का काम और उनके जो मीडिया के मित्र हैं उनका काम हिंदुस्तान की जनता का ध्यान कभी उधर ले जाने का, कभी उधर ले जाने का, कभी उधर ले जाने का। मगर मोदी जी, आप बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था के नष्ट होने से, गब्बर सिंह नोटबंदी से दौड़ नहीं सकते। कर लो जितना करना है, जो करना आपने कर लो, आप देखना यही जनता, यही बेरोजगार युवा, यही छोटे दुकानदार, यही स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, यही किसान आपसे न्याय मांगेंगे और आपसे न्याय छीनेंगे। देखना आप, समय आने वाला है। मगर हिंदुस्तान का जो भविष्य, और मैं
दिल से इस बात को मानता हूं, ये जो बड़े बड़े अरबपति हैं ये हिंदुस्तान का भविष्य नहीं बना सकते हैं। अगर हिंदुस्तान का भविष्य बनाना है, या किसान बनाएगा या फिर जो इन शहरों में बेरोजगार गरीब युवा है, छोटा दुकानदार है, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाला है, यही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। और अगर कोई भी सरकार हिंदुस्तान को आगे ले जाना चाहती है, अगर कोई भी सरकार हिंदुस्तान की शक्ति को बढ़ाना चाहती है, तो ये लोग हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं, जिनके हाथ में नरेंद्र मोदी ने हथकड़ी बांध रखी है, उस सरकार को ये हथकड़ी तोड़नी पड़ेगी और मेड इन धारावी बनाना पड़ेगा। मेड इन धारावी के बल पे मेड इन इंडिया बनेगा और फिर चाइना से जाके मुकाबला होगा, और कोई रास्ता नहीं है। लाखों करोड़ रुपए हर रोज ये 15-20 लोगों को देते हैं, कोई फायदा नहीं होता। अगर यही पैसा हिंदुस्तान के किसानों को, धारावी के युवाओं को बिजनेस चलाने के लिए दे दिया जाए, फिर देखो क्या होता है, यहां पे चमत्कार हो जाएगा हिंदुस्तान में। और यही काम कांग्रेस पार्टी करेगी और कोई नहीं कर सकता। ट्राई कर लिया, देख लिया, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, देख लिया क्या हुआ। पूरा का पूरा सिस्टम नष्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी समझती है लोगों को कैसे एक साथ लेकर देश चलाया जाता है। झूठे वायदे नहीं करते, उल्टी सीधी बात नहीं करते हम, मगर हम काम करना जानते हैं, सच्चाई है। हमने कहा था, चुनाव से पहले कहा था, मैनिफेस्टो में हमने लिखा, हमने कहा देखिए, अगर आप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करना चाहते हो, न्याय योजना लाओ, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालो, जैसे कार्बोरेटर में फ्यूल जाता है वैसे फ्यूल जाएगा, पेट्रोल जाएगा, धड़ाक से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी। हमने मैनिफेस्टो में लिखा, मगर नहीं, बीजेपी सोचती है कि अगर अर्थव्यवस्था को चालू करना है तो लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के अरबपतियों के जेब में डालने हैं। गलत है, हो ही नहीं सकता। आप जितना पैसा इनके जेब में डालना चाहते हो डालो, कुछ नहीं होगा अर्थव्यवस्था को। आप किसान के जेब में पैसा डालो, मजदूर के जेब में पैसा डालो, छोटे दुकानदार के जेब में पैसा डालो, देखो क्या होता है, 2 मिनट में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी। लोग खरीदना शुरू करेंगे, सारे के सारे कारखाने शुरू हो जाएंगे, धारावी में लेदर के प्लांट सब शुरू हो जाएंगे, मगर नहीं, ये चोरी करना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा पैसा अंबानी अदानी इन लोगों के जेब में डालना चाहते हैं, और हिंदुस्तान समझ रहा है, देख रहा है। राफेल में चोरी की,